क्रूज ड्रग्स केस में थोड़ी देर में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई है। आर्यन के वकील सतीश मानचंदे सेशन कोर्ट इस वक्त पहुंच चुके हैं। वहीं शाहरुख खान के मैनेजर भी मौजूद हैं और थोड़ी देर में कोर्ट रूम में पहुंचेंगे। शुक्रवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट से नहीं मिली थी आर्यन को जमानत। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आर्यन है और आज का दिन आर्यन के लिए बहुत महत्वपूर्ण। आर्यन के वकील पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में कोर्ट रूम में जज भी पहुंचेंगे और उसके बाद सुनवाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो क्रूज ड्रग्स केस में थोड़ी देर में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई होनी है। आर्यन के वकील सतीश मानचंदे सेशन कोर्ट पहुंच गए हैं। वहीं शाहरुख खान की मैनेजर पूजा भी कोर्ट रूम पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में कोर्ट रूम वो दोनों साथ ही साथ जज भी पहुंचेंगे। अरविंद ओझा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सभी लोग पहुंच चुके हैं तो ये सुनवाई में देरी क्यों हो रही है? जी देखिए, प्रक्रिया मैं आपको बताऊं कि फ्राइडे को ये बेल जो एप्लीकेशन है वो सेशन कोर्ट में मूव की गई थी। उसके बाद जिस तरह से अदालत की एक प्रक्रिया होती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को नोटिस भेजा गया था। अब उसके बाद जो एनसीबी की टीम है वो रिप्लाई फाइल करेगी, नंबर एक। नंबर दो, कोर्ट में और भी सेशन कोर्ट में सुनवाइयां हो रही हैं, तो हियरिंग इस कोर्ट के लिए, इस आर्यन की बेल एप्लीकेशन की सुनवाई के लिए हियरिंग का जो टाइम है वो अभी क्लियर नहीं है। जब वो टाइम दिया जाएगा तभी उसके बाद सुनवाई होगी। फिलहाल दूसरे अदर्स केसेस जो है वो सुन रहे हैं। हालांकि आज सुनवाई हो सकती है ये बात तय है, क्योंकि सतीश मानचंदे उसके अलावा आर्यन की तरफ से एक और वकील ने वो केस को फाइट करेंगे, अमित देसाई उनका नाम है, वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। शाहरुख खान की जो मैनेजर है वो पूजा पहुंच चुकी हैं। लेकिन जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, जहां आर्यन यहीं पर उसे गिरफ्तार किया गया था, आर्यन और अरबाज को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का साफ साफ कहना है कि वो अदालत में जो जमानत है उसका विरोध करेंगे और उसके लिए बकायदा रिप्लाई जो है वो तैयार किया जा चुका है। अंदर ऑफिसर्स अभी भी मौजूद हैं जो यहां से कोर्ट जाएंगे और रिप्लाई फाइल करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है, चूंकि आर्यन एक प्रभावशाली परिवार से आते हैं, खुद भी प्रभावशाली है, इसलिए अगर जमानत मिल जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, साथ ही साथ केस को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए एनसीबी की टीम इन तमाम आधार पर अदालत में जाएगी, अपना विरोध दर्ज कराएगी। आपको बता दूं कि इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जरिए, जिसमें दो विदेशी नागरिक हैं। अरविंद, जरा ये बताइए, क्योंकि ड्रग्स आर्यन के पास से मिली नहीं, जिसके बाद ये कहा जा रहा था जल्द उनको जमानत मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं नजर आया। एनसीबी अपने पक्ष वहां पर जरूर रखेगी कि जल्द अगर उनको जमानत मिल जाती है तो ये छेड़छाड़ कर सकते हैं और प्रभावित कर सकते हैं गवाहों को या सबूतों को। लेकिन जो चैट जिसके आधार पर अब एनसीबी ये कह रही है कि इनको कुछ दिन और रिमांड पर लिया जाए या अभी जेल में ही रहने दिया जाए, वो क्या चैट इतने मजबूत है कि कोर्ट बात सुनेगी? और आज कितनी संभावनाओं पे अगर बात करें तो कितनी संभावना ऐसी दिख रही है कि जमानत मिलने के आसार दिख रहे हैं उसी के आधार पर? जी देखिए, आपको समझना होगा, आर्यन पर जो चार्ज है वो ड्रग्स कंज्यूम करने का है। आज तक के पास उस पंचनामे की कॉपी भी मौजूद है अर्पिता, जब मौका वारदात पर बनाया था। लेकिन यहाँ आपको समझना होगा कि कंज्यूम करने का आर्यन पर जरूर आरोप लगा है, लेकिन उसके जो साथी हैं अरबाज, जिसके साथ वो गए थे टर्मिनल, क्रूज टर्मिनल पर, उसके पास से ड्रग्स की रिकवरी दिखाई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। और आपको ये भी समझना होगा कि एक सिंडिकेट खड़ा करने की कोशिश की है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। जो 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कहीं ना कहीं सभी की एक दूसरे से कनेक्टिविटी वो दिखाने की कोशिश की है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने। आपको याद होगा रिया वाला केस, रिया के पास से भी ड्रग्स रिकवर नहीं हुआ था, लेकिन उस मामले में भी एक ड्रग्स सिंडिकेट को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी और नतीजा यह हुआ था कि हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। तो कुछ उसी तर्ज पर इस केस को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जा रही है। शुरुआत में जरूर लगा था कि आर्यन के पास से ड्रग्स रिकवर नहीं हुआ है और सिर्फ कंज्यूम करने का आरोप लगा है, तो जमानत बहुत आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अब क्लियर किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी की है, 20 लोगों को गिरफ्तार किया है।